अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं एक वॉशरूम की वीडियो है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। बाहर जो हमारा एक अदद मुन्ना है वो साथ जो है ना उसने लगाया हुआ है, कुछ ड्रामा देख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा शोर शराबा था। मैंने सोचा मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ और थोड़ा रिव्यू करना था। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने मेरे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये डॉक्टर रोशिल नो क्या प्रोनाउंस करना है राशिल ओके डॉक्टर राशिल की हैं, और ये मैंने मंगवाई थी काफ़ी टाइम पहले, लाइक 2 और 3 मंथ्स से पहले। तो मैं स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकी, टाइम नहीं मिला था, फिर मैंने यूज़ किया और विदाउट यूजिंग रिव्यू करना कोई अच्छी बात नहीं है, तो मैंने सोचा पहले इसको यूज़ करूँगी फिर रिव्यू करूँगी, और अभी मैंने इसको यूज़ किया है। और इसका मुझे ऑब्वियसली हर यूट्यूबर की तरह फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ओके, इसमें है ये है फेशियल क्लेंजर एंड ये है फेस सीरम, विटामिन सी सीरम, डे एंड नाइट क्रीम्स, ये दो अदद, और ये विटामिन सी हो जाओ जो ये है प्राइवेट पार्ट्स की क्रीम। ओके, इसको सबसे पहले, और साथ में ये भी है मास्क। मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये तो मैंने खुद परचेज़ किया, फिर बाकी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की और मैंने यूट्यूब से रिव्यू लिए और सारा कुछ। और दूसरा ये कि मैंने ये इसका किस तरह इसको यूज़ करना है वो भी मैंने सारा कुछ पूछा, सॉरी देखा यूट्यूब से, देन मैंने इसको यूज़ किया। ओके, तो डॉक्टर राशिल की ये जो है इसको सबसे पहले जो एज़ पर मतलब जो तरीका है इसका वो है कि इसको सबसे पहले विटामिन सी जो फेशियल क्लींजर है वो उससे फेस क्लींज करना है, उसको क्लीन करना है, और दूसरा ये कि क्या कहते हैं स्क्रबिंग जिस तरह हम करते हैं सर्कुलर मोशन एंड डिफरेंट वेज में यूँ हाथों के साथ ऊपर नीचे ऐसे दाएं बाएं अपने फेस पे पूरा एक यूटिलाइज करना, और सर्कुलर मोशन में पूरा फेस को उसको करना। ये इसको मैं दिखाती हूँ उसका टेक्सचर कैसा है, ये देखिए ये ऐसे लूज सॉरी येलो सा, और खुशबू भी बहुत अच्छी है, हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इसको सबसे पहले फेस पे ओके मैं आपको करके दिखाती हूँ हाथों पे, देखिए इसको लिया यहाँ पे, ये इस तरह, ये अगर हम इसको विदाउट पानी यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल अंदर जज्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कुछ था भी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसको यूज़ करके उसी तरह सर्कुलर मोशन और डिफरेंट वेज में अपने फेस पे अप्लाई करना है। देन ये है इनका फेस सीरम बहुत अच्छा है, पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। लाइक फेस सीरम मतलब हाइड्रेटेड लग रहा होता है फेस, और बहुत ऐसे सॉफ्ट सी स्किन लग रही होती है, ऐसे शाइनी सी, और इसको मैं दिखाती हूँ, इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया है आधा, ये देखें इसी तरह इसको खुल जा नहीं खुल रहा, या फिर सामने नहीं खुलेगा, इसको शर्म आ रही थी, अब ये खुल गया। ओके, ये देखें इस तरह पूरा ड्रॉप्स, जिस तरह बच्चों के ड्रॉप्स होते हैं पूरा भर के, तो देन ये इसी तरह अप्लाई करते हैं फेस पे, अपना पूरे फेस पे ड्रॉप्स इस तरह लगा के, तो उसको मसाज हल्का सा कर लें हल्के हाथों से, फेस पे कभी भी सख्त हाथ यूज़ नहीं करने, रगड़ना नहीं है। ये फेस सीरम है और ये क्या क्लेम करता है कि एंटी एजिंग है, ब्राइटन फ्रेमिंग रिपेयर प्रोटेक्टिंग इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी। ओके, और एंटी एजिंग का तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई आइडिया हुआ है इस बारे में इसको यूज़ करके, और नहीं हाँ ये है कि हाइड्रेट फील हुआ है मुझे और स्किन इलास्टिसिटी है। ओके,
इसमें कॉन्टेन्स हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड स्किन के लिए वैसे बहुत अच्छा है। ओके ये हो गया। इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्या यूटिलाइज़ नहीं किया, टाइम नहीं मिला, तो इसके बारे में तो रिव्यू अभी बनता ही नहीं है, ये फिर बताऊंगी रिव्यू। ओके ये डे क्रीम और नाइट क्रीम। डे क्रीम ऐसे ही है कि हम इसको जिस तरह एक मॉइस्चराइज़र सा होता है, हम इसको फेस पे लगाएं लाइक सॉरी नाइट क्रीम, मतलब अगर हम आपने शाम में यूज़ किया है तो आप मतलब यूज़ करने के बाद आप बाहर मत निकलें, ताकि आपके जो असर है पूरा वो स्किन के ऊपर इसका रहे। आप शाम में यूज़ करें, मतलब सोने से थोड़ी देर पहले, सबसे पहले आप फेस जो है वो अच्छे तरीके से क्लिंजर अप्लाई करें, देन आप ये विटामिन सी सीरम, उसके बाद आप क्या यूज़ करें ये देखें विटामिन सी मास्क, ये देखिए ये मास्क, ये अभी ये वाला भी बंद है, इन्होंने मुझे एक फ्री में साथ दिया था जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये वाला भी बंद है। इसको यूँ मैं ओपन करूँगी तो ये पूरा इस तरह का एक मास्क बना हुआ ऊपर, और पूरा एक फेस पे एक इसके अंदर देखिए एक लिक्विड सा है, इसको आप बाद में अप्लाई करके जो लिक्विड रह जाएगा उसको दोबारा लगा के, अगर जब थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो उसके ऊपर आप अगर आपके पास वो है कोई रोलर या इस तरह के, ताकि आपकी स्किन के अंदर ये जज्ब हो जाए, इसके जो ड्रॉप्स हैं वो आपकी स्किन पोर्स के अंदर चले जाएं, तो अगर नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा सा हाथ हल्के हाथों के साथ इसको सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हैं, ताकि जो है ना ये हो जाए। और ये क्या क्लेम करता है कि रिड्यूस फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स लीविंग स्किन रेडियंट एंड हाइड्रेटेड। हाँ मुझे फील हुआ है, मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ लगी है सीरम के बाद वो ये है मास्क के, जब मैंने हाँ एक चीज़ है, इसको अलग अलग आप यूज़ करेंगे तो इसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, इसलिए इनकी पूरी रेंज आप यूज़ करें। रेंज मीन्स के सॉरी एक मिनट, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके यानी कि आप पहले फेस क्लिंजर लगाएं, देन आप फेस सीरम, एंड उसके बाद ये फेस मास्क सिल्क मास्क। ओके विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एटिंग एज एंटी एजिंग, और ये इनकी है जी डे क्रीम, एंड ये है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम कैसे है ये देखिए, इसको तो मैंने कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है, ये देखें ये मॉइस्चराइजर सा है, अगर मैं आपको चेक कराऊँ हाथ पे लगा के तो ये देखें ये स्किन के अंदर चली जाती है, अंदर मीन्स के मतलब फेस पे नज़र नहीं आता कि कुछ लगाया हुआ, हाँ हल्की हल्की स्किन जो है मॉइस्चराइज सी लग रही होती है वैसे, ये देखें इस तरह, वरना कोई ख़ास पता नहीं चलता कि स्किन पे कुछ, जिस तरह एक वो टिपिकल से क्रीम होती है फाइजा क्रीम और फलानी फलानी, तो उसके ऊपर फेस पता चल रहा होता है कि एक एक अच्छी खास सी क्लियर लगी हुई स्किन के ऊपर। तो ये इनकी डे क्रीम है, ये डे क्रीम ये ऐसे ही है जिस तरह बाकी क्रीम्स होती हैं, जिस तरह फेयर एंड लवली कर ले या कुछ भी, मैं कोई लगा कर चेक करवाती हूँ। ये देखें ये क्रीम जो है ये ऐसे नहीं कि आपको वाइटनिंग करती है, हाँ आपको देखिए ये थोड़ी स्किन टोन जो है ना थोड़ी हल्की सी वाइट वाइटिश हो जाती है, देखिए इधर यहाँ पे लगा के चेक करवाऊँ मैं आपको एक मिनट, ये देखिए अगर आप क्वांटिटी थोड़ी कम यूज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ये देखें बस ये है इसका फ़र्क। और आज मैं व्लॉग नहीं बना सकी, बस थोड़ा मसरूफ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं बना लूँ एक वीडियो, अभी मेरे हाल में 11 बज रहे हैं रात के, तो मैंने सोचा आप क्यों ना एक अद वीडियो अपलोड करती जाए आप लोगों के लिए, मे भी आप लोग मुझे मिस कर रहे हो मे भी नहीं कर रहे हो, तो ये था मेरा एक पर्सनली मैंने यूज़ कर लिया हुआ है, मैंने आपको इसका फीडबैक दे दिया हुआ है, रिव्यू दे दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है लाइक करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।